बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, शुक्रिया। तो आज मैं इसी दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करूँगा। जो मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दें। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में ढेर सारी बरकतें डालें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों से मैं भाई साहब छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, हर दफ़ा की तरह हर वीडियो के अंदर एक दफ़ा मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। आप लोगों का ये प्यार होता है, मोहब्बत होती है। आप लोग कमेंट्स किया करें अच्छे अच्छे, जो कि हमें हौसला अफजाई होती है जब आप लोग कमेंट्स वगैरह करते हैं। हमें पता चलता है हमारी वीडियो में क्या कोई गलती खुताई हो रही है, आप लोग जो कि हमें गाइड किया करें साथ साथ, तो मोटिवेशन हमें मिलता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अम्मा जी के पास, अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं। तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं, टाइम ज़्यादा करते चलते हैं वीडियो की तरफ। जी मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ, अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं। तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी क्या बना रहे हैं आप? आज मैं बना रही हूँ दम मटन हांडी। दम मटन हांडी, चलने के आगे मैं बना रहे हैं दम मटन हांडी के, देखते हैं किस तरह मतलब इसमें क्या क्या शामिल होता है। और आप लोगों के साथ ये मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं, टाइम ज़्यादा करते चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? मीर अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मुझे दम मटन हांडी बताने की जो चीज़ है मैं आपको बताती हूँ। आधा किलो मैंने ये मोहलक मटन ले लिया है, उसके मैंने इस तरह पीस कर लिए हैं। थोड़ा सा मैंने देसी घी ले लिया है। ये तीन मैं टमाटर ले लिया, उनका मैंने छिलका उतार लिया है। थोड़ा सा ये मैंने दही, ये दही ले लिया, चार पांच चम्मच बड़े दही ले लिया है। और चार मैंने आलू ले लिए और इनको मैंने छील लिया है। डेढ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, एक टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है, एक टी स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, छह सात सब्ज मिर्चें मैंने ले ली हैं, थोड़ा सा सब्ज धनिया ले लिया है और दो बड़े चम्मच भर के मैंने नींबू का रस ले लिया है। अब मैं आपको दाम मटन हांडी बनाने का तरीका बताती हूँ। हमने बॉल ले लिए, इसमें डालेंगे हम मटन। इसके अंदर हम डालेंगे नमक, काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये जो नींबू का जो मैंने जूस निकाले रात में। और ये दही, चीज़ें मैरिनेट कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी सारा। मतलब हमने मिक्स कर दिया है, अब हम इसे मैरिनेट कर दिया, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब हम इसके नीचे आलू रखेंगे इस तरह। ऊपर हमने जो वो मटन को मैरिनेट किया उसको इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इधर टमाटर रखेंगे, अब हम इसके ऊपर सब्ज मिर्च डालेंगे और ऊपर हम डालेंगे फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे।
अब हम इसके अंदर डालेंगे देसी घी। अब हम इसको ऊपर से आटे के साथ इसको बंद कर देंगे। इसको हांडी को हमने आटे के साथ इधर सारा कवर कर दिया। अब हम इसको 25 मिनट के लिए अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे। अब हम आपसे मिलेंगे 25 मिनट के बाद। देखें जी आधा घंटा हो गया, अब हम इसको खोल लेंगे। मटन हमारा टेंडर हो गया। अब हम जो टमाटर हैं उनको हम इस तरह सारे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको भून लेंगे। हम इस तरह मिक्स कर लेंगे सारे। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे, फिर उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। ठीक है, वो मटन हमारा तैयार हो गया। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी हमारा दाम मटन कढ़ाई दाम मटन हांडी कितनी मज़े की तैयार हो गई है। आप भी मेरे तरीके के अपने घर में बनाएगा और कमेंट करके मुझे बताएगा आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।